हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ओट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ओट्स डाइट के लिए तो सब खाते हैं, पर इसे अलग अलग तरीके से हेल्दी बना के कैसे खाया जाता है सभी को नहीं आता। तो आज मैं मसाला ओट्स बना के आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें हम ढेर सारी सब्जियाँ यूज करेंगे और इसे कैसे बनाएंगे ये आप देखिए लास्ट तक। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ओट्स बनाने के लिए हमें गैस पे एक पैन ले लेना है। गैस को हमें ऑन करना है। अब हम उसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे आप बटर भी ले सकते हैं, पर तेल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक प्याज को जिसे बारीक काट लिया है उसे डाल देंगे। साथ में हम आधा इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकती हैं। यहाँ पे हमने दो हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम करीबन 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। हमें प्याज अदरक को चलाते हुए भूनना है। फ्लेम तेज रखना है, नहीं तो क्या है ये गल जाएगा। गलने नहीं देना है, इसमें हमें क्रंच रखना है, कच्चापन भी दूर करना है। तो ये तभी होगा जब हम फ्लेम मीडियम रखेंगे या हाई रखेंगे। अब देख सकते हैं प्याज अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें कैरेट डालेंगे। तो हमने एक यहाँ पे बड़ा सा गाजर को एकदम छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, इसे हम डाल देंगे। ये सब्जियाँ डालने से ओट्स जो है वो हेल्दी भी हो जाता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। प्याज के साथ हम गाजर को भी 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हमने गाजर भी भून लिया है प्याज के साथ। अब हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कैप्सिकम को छोटे छोटे टुकड़े में काट रखा है, इसे भी डाल देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो लाल, पीला कोई भी कैप्सिकम ले सकते हैं। फिर भी हम 1 मिनट तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं सभी सब्जियों की कलर जो है एकदम क्लियर दिख रहा है और कच्चापन भी दूर होते जा रहा है। हमने कैप्सिकम को भी 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक टमाटर जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये पका हुआ टमाटर हम इसमें डाल देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसे भून लेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने में 1 से 1.5 मिनट ही लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसे भी हम चलाते हुए भून लेंगे। टमाटर अपना सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हम मिर्च डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने हरी मिर्च यूज किया है। अगर आपको ज़्यादा चटपटा खाना है तो मिर्च थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। सब्जी गल जाए इसके लिए हम टेस्ट के अनुसार नमक भी साथ में ही डाल देंगे। अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं अपना मसाला जो है वो भून चुका है। तो यहाँ पे हम लिए हैं
एक कटोरी ओट्स, ओट्स को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम सब्जी के साथ चला लेंगे। ओट्स डालने के बाद हमें ज्यादा देर भूनना नहीं है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो हम इसी कटोरी से ओट्स लिए थे और इसी कटोरी से हम चार कटोरी पानी डालेंगे, क्योंकि एक कटोरी ओट्स के लिए चार कटोरी पानी की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको माप की पानी डालना बता रही हूँ। एक कटोरी कटोरी, तीन कटोरी और ये चार कटोरी पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम सब्जियों के साथ ओट्स को मिक्स करके पानी डाल के इसे उबालेंगे। उबलने के बाद हम आपको दिखाते हैं अपना ओट्स कैसा दिखता है। तो हमने ओट्स को तेज फ्लेम पे उबालना है। आप देख सकते हैं अपना ओट्स जो है उबलते ही गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसे हमें 3 से 4 मिनट तक और तेज फ्लेम पे ही उबालना है और बीच बीच में हमें चलाते रहना है। ओट्स को हमने तेज फ्लेम पे चलाते हुए 4 मिनट तक उबाला है। आप देख सकते हैं अपनी ओट्स गाढ़ी हो चुकी है। ये ठंडा होने पे और गाढ़ी होती है। तो अगर आपको खिचड़ी के जैसे पतली खानी है तो एक कटोरी और पानी ऐड कीजिए, गाढ़ी खानी है तो सही है। ये मात्रा आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। ऐसे चलाते हुए हमें और 2-4 मिनट तक पका लेना है। ये बहुत ही टेस्टी मसाला ओट्स बनकर तैयार होता है। इसमें सारे सब्जियों का पौष्टिक जो है वो भी रहता है, पेट भी भर जाता है और अपना डाइट बैलेंस भी रहता है। तो ऐसे हम बनाते हैं मसाला ओट्स। इसे हम 2 मिनट तक और पकने देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ओट्स को हम फिर चला ले रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी ओट्स एकदम परफेक्ट तैयार हुई है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ऊपर से हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ता। सबको पता है फ्रेश धनिया पत्ता डालने से कितना स्वाद बढ़ जाता है। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये अपना मसाला ओट्स बनकर तैयार हो गया। तो चलिए हम ओट्स की प्लेटिंग कर लेते हैं। गर्मा गर्म ओट्स हम सर्व करेंगे। ओट्स को हमने सर्व किया। अब हम स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके डाल देंगे, इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये अपना मसाला ओट्स बनकर तैयार है। आपने देख लिया कितना इजी तरीके से, कितना हेल्दी मसाला ओट्स बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।